हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आपसे भी एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं भाई, ये BS3 गाड़ी है और आज इस गाड़ी में एक फॉल्ट आया भाई। इस गाड़ी के पहले गियर से आवाज़ आ रही थी, जैसे गियर लगाते कट कट की आवाज़ आ रही थी, तो तुरंत हमने इस गाड़ी के एक बार क्लच खोला भाई। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपने सीधा सीधा क्लच खोलने हैं और कमी ऑटोमेटिक से सामने आ जाएगी भाई। जैसे ही हमने टॉप पार्ट आया, क्लच खोली और क्लच देखी, देखो भाई इंजन गियर होता है जो मेन गियर बोलते हैं जिसे, तो इसके अंदर भाई देखो ये हमारा इंजन गियर होता है जो क्रैंक के ऊपर लगता है, क्रैंक और क्लच को घुमाता है। इसके दांते टूट गए भाई, एक दांता ये टूट गया, 1 2 3 4 चार दांते ये टूट चुके हैं। चार दांते टूटने की वजह से बुश भी इसका फरी हो गया और दांते टूट के एक गियर में चले गए, जिसके अंदर क्या हुआ है, या तो इसकी पहले गियर की गरारी टूट चुकी है या कोई और फॉल्ट आया हुआ है। तो आप इस वीडियो में बने रहना भाई कि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या फॉल्ट आता है और ऐसी फॉल्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो दोस्तों 89 50 65 37 29 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। तो एक बार गियर को खोल लेते हैं भाई, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना और ये भी बताएंगे भाई ऐसी ऐसी कमी आती क्यों और इन कमियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अभी डिफेंसर साइड का हिस्सा खोल दिया है और हमारी पंजा प्लेट और निकालेंगे। 63-2 का बैरिंग निकल रहा है अभी, यहाँ पे लॉक होता है। अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या अंदर फॉल्ट आया है कि जो हमारा इंजन गियर टूट जाता है तो गाड़ी के अंदर क्या क्या फॉल्ट आता है। पहला गियर टूट रहा है, पहले गियर का हमने बताया था अभी आपको वीडियो में कि पहला गियर का ही दांता टूटा पाएगा, क्योंकि पहले गियर में आवाज आ रही थी, पहला गियर लगा रहे थे कट कट की आवाज आ रही थी, सही तरीके से नहीं लग रहा था। दो लोको है इसके अंदर, एक साफट का एक बैरिंग का, निकाल दे और फॉल्ट और देखें इसके अंदर क्या फॉल्ट आया क्या नहीं। लोग ने उठा दिए सुनो, देखिए गुच्छे का दांता टूट रहा है, गुच्छा बच गया नहीं, तो भी गुच्छा तो इसका ठीक निकला है। लोग निकाल ले, पर सारे गियर बाहर निकाल ले, जैसे कैसे चेक कर ले। पहले गियर का ये टूट रहा है, ठीक है, और देख दूसरे गियर में देख, ठीक है, दूसरा तीसरा चेक कर, तीसरा सही है, टॉप गियर और देख चौथा गियर, तो भी इस गाड़ी के अंदर ओनली पहला गियर और इंजन गियर टूटने की वजह से, मतलब टूट दे दांदा गियर में गया है, गियर में जाते ही पहले गियर पड़ा है, मतलब टूटते ही ट्रैक्टर गरारी के अंदर चला गया और पहले गियर की जो गरारी उसका दांता टूट चुका भाई। तो भी दोस्तों ये फॉल्ट इसलिए आता है क्योंकि ये जो इंजन गियर है अगर आप जेन्युइन कंपनी नहीं डलवाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले डलवाया था, कितने दिन पहले डलवाया था, ये लगा है यू करवाया कौन चेंज, और मॉडल कितना है, 16 मॉडल गाड़ी है भाई। इंजन गियर ये जो गाड़ी के साथ आता वो है, इसकी भी कोई उम्मीद होती है भाई, टाइम होता है, 16 मॉडल गाड़ी आज 2023 है, 4 3 7 साल हो चुके गाड़ी को चलते हुए, 7 साल इंजन गियर चलेगा। ये थोड़ा बहुत ना बुश वगैरह प्ले करी होगी इन्होंने, मिस्त्री ने कोई चेक नहीं किया, जिस वजह से क्या ये यहाँ से बोधा हो चुका था और कच्चा होने की वजह से टूट गया, और टूटने की वजह से गियर के अंदर इसका कोई दांता गया और दांते ने गरारी का दांता तोड़ दिया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी कि फॉल्ट क्यों आई, तो जाहिर सी बात है अभी 7 साल हो गए, टूटना ही था, क्योंकि कोई चीज़ की लाइफ होती है, इसकी लाइफ इतनी ही थी। तो अगर आप भाई कभी भी इंजन गियर डलवा रहे हैं
या कोई भी गियर बॉक्स का काम करा रहे हैं, अच्छी कंपनी का ही सामान डाले, लोकल सामान डालोगे तो भी आपको ऐसी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। देखो भी ये शील्ड है, शील्ड गाड़ी एक कंपनी का ही ओज है, कंपनी का ऐसे फिनिशिंग आती है ओज पे। देखो ये मार्का मिलेगा भी ओरिजिनल के ऊपर आपने, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे भी। और गियर बॉक्स रिपेयरिंग की हमने बहुत वीडियो डाल रखी हैं, तो आप वहाँ पर वीडियो देख के भी आप घर बैठे गियर बॉक्स का काम कर सकते हैं।